शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें टूनी और उसके पति विजय रहता था। विजय खेतीबाड़ी करता था। टूनी और विजय के घर की हालत बहुत खराब था। किसी तरह उन दोनों का गुजारा होता था। दिन ब दिन हमारी हालत और भी खराब होते जा रही है। ठीक से फसल भी नहीं उग रहा है। ऐसा कैसे चलेगा, भगवान जाने। भगवान ही जाने क्या होगा, इस साल भी बारिश ठीक से नहीं हुई। गर्मी में तो सारे फसल नष्ट हो जा रहे हैं। हाँ, ऐसा अगर चलता रहा तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब भगवान ही जाने क्या होगा, बारिश ठीक से नहीं होगी तो सारे फसल बिना पानी के मर जाएंगे। इतने चिंता मत करो, भगवान है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ता गया। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। छोटे से घर में टूनी और विजय के लिए रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या करें? टूनी और विजय के घर की हालत इतना खराब था कि वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दिन बीतता गया। ऐसे ही एक दिन टूनी घर में था, तभी उसने सुना, लॉटरी है, लॉटरी, 6 रुपए में 1 करोड़। टूनी घर से निकलकर पूछी, ओ लॉटरी वाले, इधर आओ, तुम क्या कह रहे हो, 6 रुपए में 1 करोड़? हाँ, पंप पर लॉटरी है, 6 रुपए में 1 करोड़। तब टूनी ने सोचा, अगर मुझे 1 करोड़ मिल गए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सोच के टूनी मैना से कहा, थोड़ा रुको लॉटरी वाले, मैं 6 रुपए लेकर आती हूँ। टूनी ने घर में ढूंढ कर 6 रुपए ले आई और एक लॉटरी का टिकट खरीद ली। शाम को जब विजय घर लौटा तब टूनी ने सारी घटना विजय को बताई। क्या तुम लॉटरी का टिकट खरीदे हो? अरे हमारी फूटी किस्मत है, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ऊपर से 6 रुपए भी गए। ठीक है, गुस्सा मत करो, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना खाकर सो गए। कुछ दिन बीत गया। एक दिन सुबह विजय जब खेतीबाड़ी करने के लिए निकल रहा था तभी लॉटरी वाला मैना चिड़िया वहां आते हैं। अरे विजय मुबारको, तुम 1 करोड़ रुपए जीत गए, बधाई हो तुम्हें। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। विजय ये बात टूनी से जाकर कहा। टूनी, अरे वो टूनी, कहाँ हो, हम तो अमीर बन गए, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम लॉटरी जीत गई। क्या सच में? हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैसे से हम अपने घर ठीक करेंगे, खेत के फसल के लिए खाद खरीदेंगे। हाँ, और बहुत गर्मी भी है, हम एक एसी भी खरीदेंगे। हाँ ये सही है, बहुत गर्मी है। 2 दिन बाद टूनी और उसके पति मिलकर एक बड़ा सा एसी खरीद कर ले आया और धीरे धीरे घर को भी ठीक करने लगा। लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ सच में बहुत खुशी मिल रही है, नहीं एसी को तो चलाओ। तब विजय एसी ऑन करता है। ठंडी ठंडी हवा, दिल खुश हो गया मेरा। टूनी के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ टूनी और विजय की इतनी खुशी उसके पड़ोसी तिन्नी और टुआ को बिल्कुल हजम नहीं हुई। देख रहे हो टुआ बहन, टूनी की तो निकल पड़ी। हाँ वो तो देख रही हूँ, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई थी, 6 रुपए में 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, घर बना ली और नई एसी भी खरीद ली। मुझे उस दिन बुलाई थी एसी देखने के लिए, मैं नहीं गई। अरे जब गरीब थी तब मेरे घर से दाने लेकर जाती थी और आज देखो एसी का हवा खा रही है। मुझे भी तो बहुत जलन हो रही है, ये सब मुझसे देखी नहीं जाएगी। हम गर्मी से तड़प रहे हैं और वो एसी का ठंडा ठंडा हवा खाएगी। हाँ पूरे गांव में सिर्फ उन लोगों के घर में ही एसी है, कितनी भाव खा रही है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो
इसके एसी ही चुरा लेते हैं, तब मजा आएगा। लेकिन कैसे? अरे रात को जब वो दोनों सो जाएंगे तब चुपके से जाकर एसी खोलकर ले आएंगे। ठीक है, कल रात को जाएंगे, तुम रेडी रहना। ये बोलकर टुआ और तिन्नी अपने अपने घर चली गई। अगले दिन रात को टुनी और विजय सो जाने के बाद टुआ और तिन्नी जाकर उसके घर से एसी चुरा लिया और चुपके से चली गई। सुबह नींद से उठकर टुनी ने देखा कि उसके घर में एसी नहीं है। हाय, मेरी एसी कहाँ गई? चोरी हो गई? मेरी एसी चोरी हो गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मेरी एसी कोई चुरा के ले गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? कौन ले जाएगा? लगता है ये पड़ोस वाले टुआ और टिन्नी का काम है। हमेशा मुझसे जलते रहते थे वो लोग। लेकिन हम पता कैसे लगाए? पता लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है पूरा ये काम उन दोनों का ही है। मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है। टुनी ने बहुत सोची और बोली, मेरे पास एक तरीका है। टुआ और टिन्नी के घर में रात को जाके चुपके से मिर्ची का पाउडर एसी के पीछे रख देंगे। जब वो दोनों एसी चलाएंगी तब छींक आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है। उसी रात टुनी और विजय जाकर मिर्ची के पाउडर एसी के पीछे रख दिया। टुआ ने जब एसी चलाई तब लगातार वो लोग छींकने लगी और तभी, छी टुआ और टिन्नी, तुम दोनों ने मिलकर मेरी एसी चुरा ली। तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। और नहीं तो क्या करते, तुम अचानक से अमीर हो गई थी। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसके घर में एसी है। हम लालच में पड़ गए थे टुनी, हमें तुमसे जलन होने लगी। ये सारी बातें सुन के टुनी और विजय वहाँ से कहीं और जाकर घर बसा लिया और दोनों उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगे।